माननीय उपसभापति महोदय, मैं सर्वप्रथम तो केंद्रीय वित्त मंत्री जी का स्वागत करता हूं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में जो ऑर्डिनेंस के माध्यम से सरकार तुरंत जो परिवर्तन लेकर के आई है वो इस बात को दर्शाता है कि इस कानून में सरकार कितनी सजगता के साथ सारे विषयों की मॉनिटरिंग कर रही है। एक साल पहले जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को पास किया गया था तो देश में एक विषय था कि हमारे देश में जो पूंजी बाजार है और जो लोग भी किसी भी प्रकार का निवेश करते हैं, अगर कोई कंपनी, कोई फर्म दिवालिया होने के कगार पे जब पहुंचती है तो लगभग उसको 7-8 अथॉरिटीज से गुजरना पड़ता था। टैक्स अथॉरिटी अलग होती थी, लेबर अथॉरिटी अलग होती थी, कंपनीज लॉ में अलग केस चलते थे, चेक बाउंस के अलग केस चलते थे, सिविल डिस्प्यूट अलग चलते थे, फिर बीएफआई और एआईएफआर की जो प्रक्रिया थी वो इतनी लंबी थी कि सही समय पे जो पैसा बाजार का जो लगा हुआ होता था उसका मिलना बड़ा मुश्किल होता था। और इसलिए इसको एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड को लाया गया। जहां तक इस कानून के आने के बाद इसके प्रयोग का विषय है, पिछले एक साल में ही एनसीएलटी में 500 से ज्यादा एप्लीकेशन इसके लिए फाइल हुई है। ये जो एप्लीकेशन 500 से ज्यादा फाइल हुई है ये इस बात को दर्शाता है कि इस कानून की कितनी आवश्यकता थी और इस समाधान के कानून को आगे बढ़ाने के लिए जो एक लंबे समय से निर्णय लिया जाना था उसकी कितनी ज़्यादा आवश्यकता थी। और इसमें भी जो एप्लीकेशंस आए हैं, 500 जो एप्लीकेशन एनसीएलटी में आई है उसमें से आधी से ज़्यादा एप्लीकेशन जो है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर के द्वारा फाइल की गई है। ये इस बात को दर्शाता है कि 2016 के पहले ऑपरेशनल क्रेडिटर को इस प्रकार से जाने का और किसी भी वित्तीय स्थिति में जो दिवालिया होने वाली फर्म है उसमें एक अपने लिए जो एक उनको एक उत्तर मांगने का जो विषय होता है, समाधान करने की जो प्रक्रिया है, उससे वो वंचित थे। लेकिन जो सबसे बड़ा संशोधन इसके माध्यम से हम लेकर के आए हैं और सरकार ने जो मैंने प्रारंभ में सरकार को बधाई दी है कि जो संशोधन लाना है उसका तात्पर्य ये है कि जो भी कंपनी दिवालिया की स्थिति में जा रही है उसमें जो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट है वो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट कौन हो सकता है। क्योंकि अभी जो हेयर कट की बात भी आई है कि जो कंपनी का जो हेयर कट है उसका लाभ उठाने के लिए कहीं वही तो लोग नहीं है जिनके कारण से कंपनी दिवालिया होने के कगार पे पहुंची है, जिसके कारण से कंपनी की इस प्रकार की स्थिति बनी है कि वो कंपनी ऋण के भार से ग्रस्त होकर के दिवालिया होने की स्थिति पे चली गई है। और इसलिए सेक्शन 525 और उसके जो कॉन्सिक्वेंस अमेंडमेंट इस बिल में किए गए हैं कि वो व्यक्ति जो कंपनी को इस स्थिति में लाने के लिए जिम्मेदार है और जिसकी बाजार में जो ऋण के बारे में जो स्थिति है उसके ऊपर संदिग्धता और प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं, कम से कम अगर हमें रेजोल्यूशन मैकेनिज्म को ट्रांसपेरेंट करना है, इफेक्टिव करना है, तो रेजोल्यूशन एप्लीकेंट बनने के लिए उसको रोका जाए। और इस कानून में जो 29 में जो डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान रखा गया है, निश्चित रूप से उस डिस्क्वालिफिकेशन के प्रावधान से सुनिश्चित होगा कि कम से कम व्यक्ति जो कंपनी को दिवालिया बनाने के कगार पर ले गया है वो उसका दुरुपयोग करके पुनः उस कंपनी में ना जा सके जिसके कारण उस कंपनी का नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ा और लोन को पेमेंट नहीं किया। सम्मान्य उपसभापति महोदय, ये सच है कि अभी इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी का जो ज्यूरिस्प्रूडेंस है, जो कानून है, ये अभी विकसित हो रहा है। ये कानून जब हम लेकर के आए हैं तो इसको लाते समय भी ये जानकारी थी कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल खड़े करना, उसके लिए व्यवस्था खड़े करना, उसके लिए पद्धति खड़ा करना और एक मैकेनिज्म को करना कि हम एक बहुत छोटे समय के अंतर्गत बाजार में जो पूंजी का प्रवाह है और बाजार में जो ऋण है उसके जो कंपनी डूबती है उसको किस प्रकार से बचा सकें। और एक वर्ष से अधिक का जो समय का जो सरकार का जो अनुभव आया है
और जो समस्याएं संज्ञान में आई है उसी के समाधान के लिए ये वर्तमान जो ऑर्डिनेंस है सरकार लेके आई है। और इसलिए ये जो समस्याओं का आना स्वाभाविक है, लेकिन इसके जो त्वरित समाधान सरकार ने किया है, सरकार इसके लिए बधाई की पात्र है। और इंसॉल्वेंसी की स्थिति किसी भी कंपनी के लिए कोई लोन का पेमेंट और रीपेमेंट के नहीं हो पाने की स्थिति में जब आती है, तो देखना बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसी स्थिति में कम से कम व्यवस्था का दुरुपयोग ना हो। कानून का जो उद्देश्य है कि कानून बाजार में जो पूंजी का प्रवाह है या कंपनी में जो निवेश है, वो एक सुरक्षित तरीके से, अगर वो रीपेमेंट नहीं हो पा रहा है, अगर रेजोल्यूशन प्लान नहीं बन पा रहा है, अगर उसमें किसी प्रकार का और कोई समाधान नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम उसका जो ऑब्जेक्ट है उसमें किसी प्रकार का अवरोध जो है उत्पन्न ना हो। और इसलिए समयबद्ध तरीके से सरकार ने इसको पूरा करने का काम किया है। यह संशोधन वर्तमान सरकार के जो कानून के प्रति जो गंभीरता और प्रतिबद्धता है उसको बताने का काम करता है। इस समय देश भर में बहुत सारे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन जो है वह एनसीएलटी में समाधान के लिए लंबित हैं, और तत्काल प्रभाव से एप्लीकेंट्स को अगर डिस्क्वालिफिकेशन नहीं किया जाता, आधे से ज़्यादा मामलों में इस प्रकार की दिक्कत सरकार के ध्यान और संज्ञान में आई थी। और इसलिए सरकार ने ऑर्डिनेंस को लाकर बहुत सही समय पर जो लोग इसके लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं उसको डिस्क्वालिफाई करने का काम किया है, और जो लोग रेजोल्यूशन प्लान दे चुके हैं वो भी एक उचित सीमा के अंतर्गत अपनी जो ओवरड्यू राशि है उसका भुगतान कर सकते हैं। उपसभापति महोदय, अगर एक उदाहरण से इस बात को हम लोग समझने का प्रयास करें कि किसी कंपनी अथवा व्यक्ति ने अगर क्रेडिटर से लोन लिया है, तो उसके पास विकल्प है कि या तो पूरा पेमेंट करके अपनी कंपनी को इंसॉल्वेंसी में जाने से बचा ले, अथवा उसकी ब्याज राशि का भुगतान करके उस अकाउंट को पुनः ऑपरेशनल करा ले। अगर इन दोनों में से वह कोई विकल्प नहीं चुनता है तो कंपनी इंसॉल्वेंसी में चली जाती है, और बाद में रेजोल्यूशन एप्लीकेशन देकर उस कंपनी को बहुत अगर कम राशि में वो खरीदने का प्रयास करता है, तो ये किसी भी प्रकार से न्यायोचित नहीं कहा जा सकता है। और इसलिए सेक्शन 29 में जो प्रावधान लाए गए हैं कि दिवाला और संशोधन अक्षमता कानून अपने सही उद्देश्यों के साथ लागू हो सके, एक ऐसा व्यक्ति जो अपना दिया हुआ कर्ज वापस देने की इच्छा नहीं करता, उसकी की गई गलती से उसको लाभान्वित होने से रोकना बहुत जरूरी है, और इसलिए क्लॉज 5 में भी यह अमेंडमेंट लाया गया है। यह संशोधन उन लोगों को कंपनी पावर कंट्रोल रोकने के लिए है जिन्होंने कंपनी को दिवालेपन के कागार पर पहुंचाया है, और इसलिए विधेयक इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की कमेटी ऑफ क्रेडिटर के माध्यम से यह अधिकार देता है कि किसका रेजोल्यूशन प्लान सबमिशन को वो स्वीकृति दे। और ये पूरी व्यवस्था हमने इस पूरे कानून के अंतर्गत इसलिए लागू करी कि भारत के अर्थतंत्र में पारदर्शी व्यवस्था और कारोबार में सुगमता की दृष्टि से एक बड़ा परिवर्तन हो। और आज सरकार अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम लोग देश में विश्व में रैंकिंग में ऊपर आए हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि सरकार ने बहुत दृढ़ता के साथ जो रिफॉर्म्स के इश्यू हैं और कम से कम पूंजी बाजार में जो लोगों की पूंजी की सुरक्षा है उसके लिए सरकार ने व्यवस्थागत परिवर्तन किए हैं। व्यापारिक व्यवस्था में सरकार ने पारदर्शी तरीके से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का माहौल खड़ा हो इसके लिए इस प्रकार के कानूनों को बनाकर इस दिशा में आगे कदम बढ़ाए हैं, और कंपनियों के में जिस प्रकार की अनियमितताएं हैं और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो ऑर्डिनेंस एक मजबूत संदेश देने वाला है। सरकार ने ये ऑर्डिनेंस बहुत छोटे समय में लाकर के एक बहुत ही थोड़े समय में इस विषय को लाकर के इस ऑर्डिनेंस को लाकर के एक नया रास्ता बनाया है, और अगर इस प्रकार का कोई लोन कंपनी में लिया जाता है तो उसको रीपेमेंट करने के लिए एक पूरी व्यवस्था बनाने का पूरा मैकेनिज्म जो है वो सरकार ने करा है। लेकिन जो ऑर्डिनेंस आया और उसमें जो सरकार ने जो पूरा एक डिस्क्वालिफिकेशन की जो एक सीमाएं तय करी है रेजोल्यूशन एप्लीकेंट के लिए, वो निश्चित रूप से इस कानून को मजबूती प्रदान करेगा, और आने वाले समय में इस देश में इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कानून के माध्यम से हम देश की पूंजी को सुरक्षित करके देश के उद्योग व्यापार को बढ़ा पाएंगे। हम सब मिलकर के इस कानून को जो एक सही समय पर सरकार संशोधन लाई है इसको स्वीकृति प्रदान करके इस कानून को उसके उद्देश्य के अनुरूप चलाने के लिए हम सब लोग समर्थन दें, यही अपेक्षा है। धन्यवाद।